सो वेलकम बैक टू JVR दोस्तों, आज की अपडेट है आपकी वर्क फ्रॉम होम आवरली बेसिस पे। बेसिकली काफी सारे लोग हैं जो स्कूल स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं और वो यहाँ पे पार्ट टाइम अर्निंग करना चाहते हैं। मतलब अगर आपके पास एक या दो घंटे हैं तो आप चाहेंगे कि उसको यूटिलाइज करके कुछ पैसे कमाए जाएं जिससे आप अपनी फीस या जो भी आपके खर्चे हैं उनको फुलफिल कर पाए, तो यस आपके लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है। चूंकि इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक ऐसी डेडिकेटली जॉब जो कि डायरेक्टली कंपनी के लिए आपको काम करना है, आवरली बेस पे आपको टास्क बेस पे काम करना है और आपको काफी अच्छी अर्निंग होने वाली है। अभी काम क्या है, पहले से सिंपल वे में समझते हैं। आप सभी ने अपने स्कूल लाइफ में एक पार्ट तो जरूर करा होगा कि कोई ना कोई अगर आपको डाउट आ रहा है या कोई आपसे डाउट पूछने आ रहा है, आपका कोई दोस्त कोई फ्रेंड, तो आप उसके डाउट्स को क्लियर करते थे। आपको ध्यान होगा आपका वो बेस्ट फ्रेंड जो आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन देता था, और आप भी किसी के बेस्ट फ्रेंड होंगे जो आप किसी का सोल्यूशन देते होंगे। एग्जैक्टली यही काम आपको अब कंपनी के लिए करना है। कंपनी का नेम है वेदांतु, जो कि एडकॉम सेक्टर से बिलोंग करती है और जो आपके छोटे बच्चे होते हैं 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th क्लास, मतलब जो स्कूल स्टूडेंट होते हैं उनको काफ़ी सारे डाउट्स काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, और जब वो ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो उनसे भी डाउट्स को ऑनलाइन पूछते हैं ट्यूटर से। अब वही डाउट को रिजॉल्व करके आपको देना है, दैट्स ऑल। तो बेसिकली आपको ट्यूशन पढ़ाना है, और ट्यूशन के अंदर भी मैं अगर स्पेशलाइजेशन पे बात करूं तो आपको डाउट्स को रिजॉल्व करना है और इसी काम के आपको पैसे मिलने वाले हैं। अब जो ये अमाउंट है, जो ये पैसे हैं, आपको पर डाउट्स मिलने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक घंटे में, मैं मान के चलता हूँ, 10 डाउट्स क्लियर करते हैं, 10 प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आप देते हैं स्टूडेंट को, और मेजरली कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। आप समझ सकते हैं क्लास 11th 10th या 6th 7th स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम होती है वो किस लेवल पे होती होगी। अगर आप 10 डाउट्स यहाँ पे रिजॉल्व करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली जो आपकी अर्निंग है वो 200 रुपये पर डे या 200 रुपये पर आवर, अगर मैं कहूँ वो बेस्ट रहेगा, तो 200 रुपये पर आवर आप अर्निंग कर सकते हैं। जितना ज्यादा डेडिकेटली आप टाइम देंगे उतनी ज्यादा आप अर्निंग कर पाएंगे। तो फिलहाल तो मैं आपके सामने सबसे पहले इस जॉब को अप्लाई कैसे करना है और कितना आपको अमाउंट मिलने वाला है उसके लिए स्क्रीन पे लेके चलता हूं। पूरा का पूरा फॉर्म हम यहां पे आपका फिलअप करवाएंगे, साथ में ये भी बताएंगे कि आपका अर्निंग क्राइटेरिया कितना होने वाला है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, हम यहाँ पे आ चुके हैं गूगल फॉर्म पे, जिसको फिल करना इज क्वाइट ईजी, जो कि कंपनी के एंड से आपको शेयर किया गया है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आता हूँ, जहाँ पे आपका पे आउट लिखा हुआ है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड बनाएगा। सबसे पहली बात यह है कि आप ये सारा काम जो भी अभी तक मैंने आपके साथ शेयर करा अपने मोबाइल फ़ोन, अपने स्मार्टफोन से कर सकते हो। तो इसके लिए अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो और आपको सोच रहे हो कि बड़ा सेटअप चाहिए या बड़ा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नीड नहीं है। एक स्मार्टफोन आपके लिए मोर देन इनफ है इस जॉब को लेने के लिए। अर्निंग यहाँ पे जो है आपके टास्क बेस पे रखी गई है कि अगर आप यहाँ पे क्लास 6 या क्लास 10 तक के स्टूडेंट के जो डाउट्स हैं उनको रिजॉल्व करते हो तो आपको 5 रुपये पर डाउट मिलेगा। अगर आप 11th एंड 12th के डाउट्स रिजॉल्व करते हो तो आपको 10 रुपये पर डाउट मिलेगा। और ये सब जो अमाउंट है, अगर आपका जो डाउट का रेटिंग होगी अगर वो 4 या 4 से कम है तो इतना आपको मिलने वाला, लेस देन 4 मैं बोलूंगा। तो मतलब आपने क्वेश्चन पढ़ा, सोल्यूशन दिया, कैंडिडेट को अच्छा लगा, उसने कम स्कोर करा, मतलब कम रेटिंग करी, तो आपको कम पैसा मिलेगा। पर उसी कैंडिडेट ने अगर अच्छी रेटिंग करी तो आपको ज्यादा अमाउंट मिलेगा, ऑलमोस्ट मोर देन डबल। कि अगर आप क्लास 11th या 12th के किसी पर्सन के डाउट को रिजॉल्व करते हो तो यहां पे आपको ऑलमोस्ट 23 रुपये पर डाउट मिलने वाला है, और क्लास 6 से लेकर क्लास 10th तक के जो डाउट्स को उसमें 13 रुपये आपको मिलने वाले हैं। तो यहां पे जो आपको अमाउंट है टोटली डिपेंड करेगा आपका सोल्यूशन कितना अच्छा होने वाला है। तो अब यहां पे दोबारा टॉप पे आते हैं, थोड़ा सा चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले यहां पे कंपनी के बारे में बताया गया है, वेदांतु के बारे में, देन आफ्टर यहां पे एक मेल आईडी आपके साथ शेयर करी गई है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली मेल आईडी से इनसे कनेक्ट कर सकते हो। सेकंडली आपको ईमेल भरना है, देन अपना डाउट एक्सपर्ट नेम, मतलब आपका नेम ये पूछ रहा है, उसके बाद आपकी कैटेगरी पूछ रहा है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किस वे में आप काम करना चाहते हैं पार्ट टाइम वगैरह के अंदर। उसके बाद ही आपकी स्पेशलाइजेशन पूछ रहा है, आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स, कहां से आपने चीजें कंप्लीट करी है। देन आफ्टर ये पूछ रहा है कि आप कौन से क्लास के स्टूडेंट के डाउट्स रिजॉल्व करना पसंद करोगे। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा अगर आपकी क्वालिफिकेशन काफी अच्छी है तो आप जो बड़े स्टूडेंट होते हैं 11th एंड 12th क्लास के उनको टारगेट करें। अगर आपकी क्वालिफिकेशन थोड़ी बहुत लो है, आप छोटे बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, तो 6th और 10th में जाएं। और यहाँ पे ये मत सोचें कि किस क्लास को चूज करने पे आपको ज्यादा अमाउंट मिल रहा है। अमाउंट आपको अच्छा मिलेगा अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन के ज्यादा आंसर करते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे आपका बोर्ड पूछा गया कि आप किस टाइप के बोर्ड के लिए कंफर्टेबल हैं, आपने किससे पढ़ाई करी है वो नहीं
नहीं पूछ रहा आप किस टाइप के बोर्ड के क्वेश्चन के आंसर देना चाहते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे काफी सारी चीजें बताई गई हैं, जिसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है आप किस समय के बीच में काम करना चाहते हैं, आफ्टरनून, इवनिंग, मॉर्निंग, और उसके बाद आता है कि आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए डाउट्स को रिजोल्व करने के लिए, आपके पास किस टाइप का सेटअप या किस टाइप के गैजेट्स होने चाहिए जिससे आप इस काम को कर पाए। तो सबसे पहले एक गुड लाइटिंग कंडीशन होनी चाहिए कि सामने वाला पर्सन जो डाउट पूछ रहा है आपका फेस देख सके, प्रॉपरली लाइटिंग वहां पे हो। सेकेंडली आपके पास नॉइज फ्री सराउंडिंग फॉर रिकॉर्डिंग, मतलब आपकी जो वॉइस रिकॉर्ड है उसमें ऐसी कोई साउंड नहीं होनी चाहिए, बहुत क्लियरली आपकी वॉइस आनी चाहिए। थर्ड वन है आपके पास एक ट्राइपॉड स्टैंड इज मैंडेटरी, क्योंकि बहुत बार जब हम अपना मोबाइल से कोई वीडियो शूट करते हैं, कोई आंसर दे रहे होते हैं, बड़ी शेक होता है वो, तो वो चीज़ नहीं चाहते। यू हैव अ ट्राइपॉड स्टैंड, वो मैंडेटरी, अगर आप चाहें तो परचेज भी कर सकते हैं। एक A4 शीट होनी चाहिए, वाइट पेपर आपके पास होनी चाहिए, साथ में आपके पास एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन होना चाहिए जिसकी 4GB रैम मिनिमम होनी चाहिए। एंड देन आफ्टर आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन या वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए जिससे आप ऑनलाइन सब चीजें ट्रिगर कर पाए। एंड पे आउट विल बी मेड ओनली फॉर वीडियो सोल्यूशन, बहुत क्लियरली मैंशन करा गया, तो ऐसा मत सोचना कि कॉपी पेन पे फोटो खींच के आप काम चला लोगे, आपको वीडियो सोल्यूशन सामने वाले को प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड दैट्स ऑल, इन सभी चीजों के बाद आपको एक अच्छे अमाउंट की आउट यहाँ पे होने वाला है। तो क्या आप एक्साइटेड हैं आवर्ली बेस पे कमाने के लिए, और आप क्या चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से पार्ट टाइम एंड वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेता रहूं, तो नीचे कमेंट सेक्शन पे मुझे जरूर बताएं कि आप किस टाइप की जॉब अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं हमारे चैनल पे। और मैं सचिन चौहान आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट कंटेंट पे, बट टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग JVR।